तो जैसे कि गाइस मेरा आप लोगों से एक छोटा सा वादा, वो था कि 1000 सब्सक्राइबर्स होने पे हम आने वाले थे एंडर ड्रैगन को। उस वीडियो को गाइस थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए मैंने मारे दो एंडर ड्रैगन्स एक ही वीडियो के अंदर, जो थी हमारी लास्ट वीडियो, जिसको गाइस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको गाइस ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मिलने वाला, उसे जाके जरूर चेकआउट करना। पर उससे पहले अभी इस वीडियो में आया, तो आज हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं, जैसे गाइस हमने लास्ट वीडियो मार दिए दो एंडर ड्रैगन्स, तो हमारे पास खुल चुके हैं दो एंड गेट्स, जिसके मतलब गाइस हम एंड सिटीज ढूंढ सकते हैं, एलाइटा लूट सकते हैं, और तो और गाइस वहां पे काफी सारे रिसोर्सेज होते हैं जो हमें मिलते हैं। पर आज की हमारी प्रायोरिटी रहने वाली है कि हम एंडर क्या सिटी जाएं और सीधा वहां से लूट के लेके आए एलाइटा और साथ साथ एंडर ड्रैगन का सिर। गाइस वहां पे एक फ्लाइंग बोट होती है जिसके अंदर भी गाइस एलाइटा मिलता है, साथ ही साथ एंडर ड्रैगन का सिर। और मेरी प्रायोरिटी ये रहने वाली कि आज की वीडियो में हम कम से कम तीन इलाइटर्स तो लेके आए, तो उस चीज़ को मैं कैसे करने वाला हूँ और उस चीज़ को करने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है और कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, उसे जानने के लिए तो गाइस आपको आज की वीडियो यानी आज की वीडियो डेफिनेटली देखनी पड़ेगी। तो वीडियो शुरू होने से पहले गाइस आप सबसे फिर से एक छोटी सी मतलब बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, नीचे आपको एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे जल्द से जल्द लाल से ग्रे कर दो। अगर आपने उसे पहले से ग्रे किया हुआ है तो एक बात का ध्यान रखो कि आपने उसके साइड में एक घंटी है जो बजाई है ना, अगर गाइस आपने उसको नहीं बजाया तो आपको पता नहीं चलने वाला कि मैं नई वीडियोस कब डाल रहा हूं, तो उसे बजाना मत भूलना। और जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दो और चैनल को गाइस शेयर कर दो, क्योंकि हमें चाहिए आप जैसे बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग जो हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं, साथ ही साथ गेमिंग को भी पसंद करते हैं। तो मैं ज्यादा बकचोदी नहीं करता हूँ, सीधा चलते हैं गेम के अंदर। तो स्वागत है गाइस आपका एक कौन गेम प्ले वीडियो के अंदर। आज हम गाइस फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। जैसे गाइस आप देख सकते हो लास्ट वीडियो में हमने मारा था एंडर ड्रैगन को, वो भी एक नहीं दो। वैसे गाइस आज की वीडियो भी थोड़ी सी खास होने वाली है, क्योंकि गाइस आज हम लेने जाने वाले हैं एलाइट्रा। पर खास कैसे, खास ऐसे कि गाइस मेरी कोशिश रहने वाली है कि पहली बार में ही कम से कम तीन इलाइट्रा तो लेके आऊँ। तीन इसलिए गाइस क्योंकि गाइस हमने जब एंडर ड्रैगन को मारा तो हमने मारे दो एंडर ड्रैगन, तो हमें मिल चुके हैं दो पोर्टल्स, तो अब दो पोर्टल्स के मेरे से दो एलाइट्रा तो पक्के हैं। पर मैं थोड़ी और मेहनत करके शायद एक इलाइट्रा और ले आऊँ, बट कोशिश है कि कम से कम तीन लाऊं, अगर ज्यादा से ज्यादा मिल जाते हैं और भी अच्छी बात। तो मैं टोटल एक घंटे का गोल रखने वाला, तो मैं एक घंटे में लगभग कितने इलाइटर्स ले सकता हूँ, जहां तक मेरे को लगता है काफी ज्यादा मिल ही जाएंगे। और मेरा ये एक घंटा शुरू होने वाला है सीधा नेदर में एंड में पहुंचने के बाद, तो अभी से गिनना मत शुरू करना। और वैसे आपको तो टाइमिंग पता नहीं चलेगी, तो फिलहाल मैं यहाँ पर ज्यादा बकचोदी ना करते हुए सीधा चलते हैं इलाइटर को ढूंढने के लिए। अपने हत्थू वगैरह सामने लाता हूँ और हम यहाँ से सीधा जाते हैं जू के अंदर से बाहर। अब देख सकते हो तो काफी टाइम जू के अंदर से इंट्रो दे रही हूँ गाइस, मैं थोड़ा बहुत वहाँ बाहर कासर वाली साइड पे माइनर से थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ, और साथ ही साथ गाइस मैंने यहाँ जू पे भी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की हुई है। जैसे गाइस आप देख सकते हो यहाँ काफी ज्यादा जंगल बन चुका है। जंगल बनने का रीजन, मैंने यहाँ काफी सारे ट्रीज उगा दिए, कोई ऐसे वैसे ट्रीज नहीं गाइस। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे मैंने अच्छे खासे ट्रीज उगा दिए, जिससे इस जगह पे एक अच्छा खासा ह्यूज सा जंगल बन चुका है। बट फिलहाल हम इस जंगल को देखने नहीं, हम यहाँ से निकलने आए हैं, हम यहाँ से निकलते हैं। और ये दिन का टाइम है और सामने कुछ है नहीं, चलो ठीक है ज़ॉम्बीज़ वगैरह नहीं है। मैं यहाँ से गाइस सबसे पहले जाने वाला हूँ अपने कासल के निचले हिस्से पे, यानी नीचे वाले रूम्स में, क्योंकि गाइस हमें लेना भी बहुत सारा सामान से मतलब थोड़ा बहुत सामान मेरे को प्रिपेयर करना है। और देख सकते हो मेरे फिलहाल रनिंग डिस्टेंस कम हो रही है और मेरे FPS फिलहाल 1918 पे सीधा नाच रहे हैं भाई। FPS की बहुत बुरी तरह बजी पड़ी है, क्या ही करूँ। और देखो जरा मेरा एक बीकन यहाँ लगा हुआ, फिलहाल मेरे पास गाइस चार बीकन है, एक मेरा पोर्टेबल बीकन है और दो तीन मेरे बीकन जो शिफ्ट मतलब परमानेंटली फिक्स्ड हैं। एक ये है जिसको कभी का मन करता था मैं उखाड़ लेता हूँ, पर फिलहाल हम कहाँ जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं यहाँ नीचे, क्योंकि गाइस एंड में जाने से पहले मेरे को काफ़ी सारी तैयारी करनी है। फिलहाल यहाँ डार्कनेस काफ़ी ज़्यादा है। अरे पोशन ऑफ नाइट विजन हमारे पास पड़ा होगा, पोशन ऑफ नाइट विजन देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे पोशन है। पोशन ऑफ नाइट विजन मिल गया, चलो पोशन ऑफ नाइट विजन लेने का, ऐसा ही नीचे मारने का। अब देख सकते हो क्या ही मस्त क्लैरिटी आ चुकी है। तो सबसे पहले गाइस हम एंडर जैसे मेरे को जितनी भी सामान की तैयारी करनी थी मैं लगभग हर चीज़ की तैयारी कर चुका हूँ, बस मेरे को एक एंडर चेस्ट अपने पास रखना पड़ेगा,
गाइस मेरे को एंडर चेस्ट निकालने के लिए भी एंडर चेस्ट मतलब एंडर चेस्ट से सामान निकालने के लिए भी एंडर चेस्ट ही चाहिए, और हमारे पास काफी सारा सामान है। मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ गाइस, मैं लेके जा रहा हूँ काफी सारे रॉकेट्स, और ये गाइस 3 स्टेज रॉकेट्स हैं, यानी ये नॉर्मल रॉकेट से थोड़े ज़्यादा लंबे टाइम तक फायर होते हैं। मतलब इसको बनाने की रेसिपी भी काफ़ी आसान है, आपको चाहिए एक पेपर, 3 गन पाउडर, उससे गाइस बनेगा आपका, उससे आपकी 3 3 स्टेज रॉकेट्स बनने वाले हैं। मैंने काफ़ी सारे बना लिए, एंड पर्ल्स काफ़ी सारे, एक एंड व्हील, अनब्रेकिंग 3, साथ साथ गाइस मेंडिंग। जैसे गाइस मेरे को मेरा पहला इलाइट्रा मिलने वाला है, उस पर मैं ये दो चीज़ें अप्लाई करने वाला हूँ, जिससे गाइस वो इलाइट्रा परमानेंट होने वाला है और वो टूटेगा भी नहीं, और यहाँ पे आने के बाद अपनी एक्सपी खर्च करके काफ़ी सारी उसमें और भी चीज़ें अटैच करते रहेंगे। बट सबसे पहले हम जाते हैं ऊपर, मेरे को दो चीज़ें और लेनी है, और दो में से पहली है स्काफोल्डिंग्स और दूसरी है चेस्ट। जहाँ तक मेरे को याद है मैंने यहीं गई काफ़ी सारी स्काफोल्डिंग्स रखी थी, ये देख सकते हो गाइस मेरे पास अच्छी खासी स्काफोल्डिंग्स पड़ी हुई है। इसको भी हम चेस्ट में डालते हैं, स्काफोल्डिंग्स मिल गई, और यहाँ कहीं चेस्ट भी अभी अभी हमने देखी, चेस्ट का भाई चेस्ट चेस्ट चेस्ट। गाइस हमारे पास क्राफ्टिंग टेबल है पर चेस्ट नहीं है, चेस्ट है चेस्ट। गाइस मेरे को ना अच्छे खासे वुड की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि गाइस मेरे पास वुड काफ़ी सारा है पर मेरे पास चेस्ट कहीं पे भी नहीं है, आप देख सकते हो। मतलब सामान बहुत है अपने पास, सामान देखो ये गाइस अपना काफ़ी सारा सामान है, ये काफ़ी कुछ है यहाँ पे, बट अपने पास क्या नहीं है, इतने अमीर हैं। हमारे पास देख सकते हो एक कॉन्ड्यूएट है, एक कॉन्ड्यूएट है और दूसरा कॉन्ड्यूएट मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, बस मेरे को एक और हार्ट ऑफ सी मिल जाए। और यहाँ पे गाइस काफ़ी मतलब देखो सर, हम इतने अमीर हैं पर अपने वो चेस्ट की कमी है, इतनी ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा मैं सीधा वुड फार्म पहुँचता हूँ और एक नई चेस्ट ही क्राफ्ट कर लेता हूँ, एक नई चेस्ट नहीं काफ़ी सारी चेस्ट क्राफ्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से सीधा निकलते हो, भाई 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 भाई, भाई शाम हो रही, शाम हो रही, तो मैं सीधा पहले जाके एक बार नींद मारता हूँ, उसके बाद जाके जाएंगे, क्योंकि ऐसे यहाँ ऊपर मेरा बेड भी है, मैं मजे से नींद मारता हूँ, उसके बाद हम सीधे जाएंगे वुड फार्म, वहाँ पे क्राफ्ट करने वाले बहुत सारी चेस्ट, और उसके बाद गाइस हम तैयार हो जाएंगे एंड में जाने के लिए, और चेस्ट रॉकेट, और मैं यहाँ सो जाता हूँ। तो गाइस हमें मिल चुके 31 चेस्ट और काफ़ी सारा वुड, और गाइस इतनी चेस्ट भी बहुत है, वैसे इतनी तो मैं यूज़ नहीं करने वाला, मैं यूज़ करने वाला सिर्फ 2 या 3, क्योंकि हमें काफ़ी सारा सामान एंड से लेके आना है, और एंड से सामान लेके आने के लिए गाइस हमें फिलहाल तो काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एंड में ही क्राफ्ट करने वाले हैं। तो मैं सीधा पहुँचता हूँ एंड पोर्टल, यानी हमारा रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं एंड के अंदर, और एंड के अंदर सीधा हम लूटने वाले हैं लाइट रास, और हाँ अच्छा खासा खाना पीना लेके जाना पड़ेगा। मेरे पास काफ़ी सारे पंपकिन पाइज हैं, और यहाँ पे भी कहीं पे पड़े होंगे, अब देख सकते हो गाइस मेरे पास 2 क्रीपर हेड भी पड़े हुए हैं, जो गाइस बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से मिलते हैं। गोल्डन एप्पल पड़ा हुआ है, हम गोल्डन एप्पल भी यहाँ चेस्ट में डाल देते हैं, गोल्डन एप्पल डल गया, और हाँ इसको भी यहाँ पर डालते हैं, वुड है उसको अभी के लिए यहीं पर डाल दो, और हमारा गाइस हम पूरी तरह से तैयार हैं, मैं गाइस पूरी तरह से तैयार हूँ, और सीधा चलता हूँ रेलवे स्टेशन, वहाँ से पहुँच कर सीधा एंड के अंदर, फिर देखते हैं गाइस लाइटर्स की लूट, कितनी लाइटर्स हमें मिल पाते हैं आज के दिन में। मेरा मैक्सिमम गोल है, मिनिमम गोल है 3 लाइटर्स का, मैक्सिमम गोल तो भाई देखा जाएगा जितने मिलेंगे उठा लाएंगे। कहाँ से भाई, यहाँ काफ़ी सारे जॉम्बीज आ रहे, क्योंकि गाइस ये जो गाइस मैंने बनाया हुआ है इसे दूर दूर पे काफ़ी सारा गैप है जिसके अंदर काफ़ी सारे जॉम्बीज हैं, फिलहाल ये माइनक्राफ्ट मैं यहीं पर डालता हूँ, मैं यहाँ अंदर जाने को तैयार हूँ, मेरे पास सब कुछ है, ये सब कुछ, चलो सब कुछ है, तो चलो सीधा एंड के अंदर। और एंड के अंदर गाइस हमारे स्पॉनिंग एरिया पे मैंने थोड़े चेंजेस किए, जैसे आप देख सकते हो मैंने स्पॉनिंग एरिया को काफ़ी ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश की है, यहाँ आसपास के ब्लॉक्स उड़ा दिए, और यहाँ पे ये गाइस ये वाले स्टेज बनाए हैं जो यहीं के ब्लॉक से बने हुए हैं, हमारी एंड चेस्ट से यहाँ पे एक प्लेस कर दी, और सारी गाइस मैंने थोड़े से चेंजेस और किए, जैसे गाइस आप देख सकते हो इनमें से मैंने थोड़ा थोड़ा सा चोरी किया है, क्या कहते हैं गाइस, ऑक्सीजन गाइस मैंने इनमें से थोड़ा थोड़ा चुरा दिया, और इन सब में लगा दिए हैं बहुत सारे सी लैंटर्न्स, क्योंकि गाइस सी लैंटर्न्स की मदद से हमें मिलती है काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग, फिलहाल हमको पोशन ऑफ नाइट विजन चाहिए, और एंडर चेस्ट भी हमको चाहिए, देख सकते हो सी लैंटर्न्स की वजह से इस जगह पे काफ़ी बढ़िया ही लाइटिंग आ चुकी है। और सारी साथ गाइस मैंने एक और चेंज किया है, और गाइस मैं यहाँ लास्ट टाइम आया तो मैंने एक चीज़ अजीब नोटिस की, जब गाइस हमने एंडर ड्रैगन 2.0 को मारा था तब एंडर ड्रैगन का एग यहाँ से गायब हो चुका था, पर ये दोबारा यहाँ वापस आ चुका है, ये कैसे हुआ ये तो मेरे को पल्ले नहीं पड़ा, बट मैंने यहाँ ये थोड़ा सा डिजाइनिंग कर दिया और काफी ज्यादा यहाँ लाइटिंग कर दी, जिससे गाइस नेक्स्ट टाइम जब हम एंड्रॉइड ड्रैगन को मारने वाले हैं उसको मारने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, और मेरे को डर है कहीं ये सब तबाह ना कर दे।
प्लस हमें इन बीकॉन्स को ढूंढने में भी आसानी होगी। और सामने गाइस उधर देखो, इन जगह से आज हम गाइस ट्रेवल करने वाले हैं। और मैंने जगह जगह एंडर चेस्ट प्लेस कर दिए, जैसे कि यहाँ पे भी है, तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ एक साइड स्कार्फ होल्डिंग्स का। हमको गाइस इसकी जो तो आज बिल्कुल नहीं पड़ने वाली, हम सबसे पहले इसको निकालते हैं। और अबे ये कहाँ से भर गया, तेरी माँ का ताकि माँ का, एक एंडरमैन भड़क चुका है। और पता नहीं गाइस इस एंडरमैन को किसने भड़काया था, मैंने तो गलती से शायद ही भड़काया हो। और हमें ट्रैवल करने के लिए एंडरपर्स चाहिए थे और हमें एक एंडरपर्स मिल भी चुका है, तो हम सीधा यहाँ पे स्कैफोल्डिंग्स लगाने वाले हैं। ठीक, इसके नीचे आते हैं, इस गैप पर ठीक रहेगा, हम इस गैप पर स्कैफोल्डिंग्स लगाते हैं। और अभी भी बहुत सारी ज़रूरत है, अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अच्छी खासी हाइट पर जाएंगे कि निशाना पहली बार में ही लगे। दो और लगाते हैं, अब तो निशाना गाइस पक्का लगने वाला है पहली बार में। और मैं यहाँ से स्कैफोल्डिंग्स को हटाता हूँ, मतलब अपनी चेस्ट को थोड़ा सा सेट कर ही लेता हूँ, शेवल या जरूरत शायद ही पड़ेगी। तो हम यहाँ से चले सीधा एंड के अंदर। और गाइस देख सकते हो हमें एक और अचीवमेंट पूरी हो चुकी है। तो हम यहाँ पे लाइटर तो नहीं फिलहाल, एंडरपर्स अपने साथ रखने वाले। और यहाँ पे गाइस अजीब से फ्रूट्स हैं जो गाइस मैंने सुने काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, तो मैं इनकी कटाई करने वाला हूँ। और ये फ्रूट्स भी मैं कलेक्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पे गाइस मैं अभी ज़्यादा सामान नहीं कलेक्ट करने वाला, क्योंकि गाइस मैं सबसे पहले कलेक्ट करने वाला हूँ एक एलाइट्रा। तो सीधा हम भगते हैं कि एलाइट्रा ढूंढने के लिए। एलाइट्रा हमें मिलेगा गाइस एंड सिटी के अंदर। एंड सिटी के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा ही मतलब मारपीट करनी पड़ेगी पहला एलाइट्रा लेने के लिए। तो भाई सबसे पहले एंड सिटी ढूंढते हैं, यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं। और गाइस एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ आने के बाद मेरे FPS लगभग 100 से प्लस हो चुके हैं। और ये अप्रॉक्स 225 तो रह रही है बार बार। और गाइस हमें पहला एंड सिटी मिल चुका है, देख सकते हो हमारे सामने गाइस वो है एक एंड सिटी। और हमें बस ढूंढनी उनकी शिप। और जो ठीक गाइस वहाँ पर रेंडर हो रही है, हमें पहली शिप मिल चुकी है। अब मैं ये सोच रहा हूँ मेरे पास काफ़ी सारे स्कार्फ होल्डिंग्स है, अरे इसकी माँ का साकिना का, ये गाइस बीच बीच में कैसे भड़क जाते हैं ये मेरे को समझ नहीं आता, बिना भड़का ये भड़क कैसे जाते हैं और अपनी बैंड बजाने आ जाते हैं। मेरे को गाइस यहाँ बार बार ना सिर तू निकल जाते हैं। गाइस मेरे को लगता है ना मेरे को यहाँ से नीचे रख के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि गाइस ये बार बार भड़क जाते हैं, इनको पता नहीं कौन भड़काता है, मैं तो भड़काता ही नहीं हूँ यार। तो सबसे पहले हम यहाँ से जितने भी स्कार्फ होल्डिंग्स हैं उनको निकाले थे। गाइस अपने पास दो स्टैक स्कार्फ होल्डिंग्स के हैं, शायद मेरे को फाइट लेनी ही ना पड़े, मैं सीधा पहुँच जाऊँ शिप की तरफ। तो एक काम करते हैं, हम सीधा पहुँचते शिप में, लाइटर जुड़ाते हैं, उसके बाद जाके गाइस, क्योंकि गाइस वहाँ पे एक मॉब मिलता है जो हमें अपने अटैक से लाइविटेट कराता है, जिसके वजह से हम हवा में तैर होते हैं। तो अगर हमें गाइस पहली बार में ही इलाइटर मिल जाता है बिना थोड़ी मेहनत किए, तो उन सबसे मैं आराम से फाइट ले सकती हूँ। गाइस इलाइटर की मदद से आराम से वापस आ सकता हूँ। और हाँ, सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें जो रखनी पड़ेंगी, मैं एक स्टैक रॉकेट का अपने पास रख लेता हूँ, आई थिंक दो सेट ही रख लेते हैं, एंड बल्स हैं। और ये सब तो गाइस हम इलाइटर पर सबसे पहले अप्लाई करने वाले हैं। और हम सीधा चलते हैं ये इलाइटर लूटने के लिए। गाइस मैं एनसीडी के अंदर बाद में जाने वाला हूँ, पर मैं सबसे पहले अंदर जाने वाला हूँ शिप के अंदर। ये शिप के अंदर मिलेगा हमें बहुत सारा, मतलब बहुत सारा तो नहीं, सबसे पहले हमारा मेन आइटम यानी एलाइट्रा। और ये गाइस ये है एंड, पता नहीं इनको क्या कहते हैं, पर ये एंड के फ्रूट्स हैं एक तरह से। भाई क्या है ये, क्रश्ड फ्रूट, क्राउन फ्रूट, पता नहीं क्या है भाई ये, जो भी है नाम भी अजीब सा, मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा। प्लस मेरी रिंग स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो हम सबसे पहले अभी लूटने वाले हैं एंडल मैन का एलाइट्रा। हम इस गैप पे आ चुके हैं, ये गैप परफेक्ट होना चाहिए। तू इधर आ, तो देखते हैं गाइस हमारे कितने स्कैफोल्डिंग्स यूज होते हैं। और मैंने आई थिंक मैंने एक स्टैक तो नहीं, लगभग आधा स्टैक लगा दिया है। अब मैं इसके मदद से ऊपर जाने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि हमें इलाइट्रा मिलता है कि नहीं। और लगभग गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा पास में हूँ, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ही पास में हूँ। और आई थिंक मैंने इसका फोल्डिंग ज़्यादा ही लगा दिए हैं, जो सही भी है। और मेरे को यहाँ पे ओ यहाँ का मॉप, ओ माय गॉड इसका फोल्डिंग्स कम है, इसका फोल्डिंग्स कम है, उसके अटैक से बचना है। और सामने मॉप है और हम बच चुके हैं। और गाइस यहाँ सामने भी एक मॉप होने वाला है, जहाँ तक मेरे को लगता है। ठीक उधर है, उसको लगी लगी लगी,
ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जिस चीज का डर था वही हुआ। अब मैं लेविटेट कर रहा हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ क्या किया गाइस, यहाँ पे पोशन ऑफ हेल्थ है, ये उठा लेते गाइस, काफी ज्यादा काम की चीज है। और इसका ये पोशन, ओ गया गया गया। और ये कहीं और ही मूव करिए, जैसे गाइस ये कहीं ना कहीं मूव करते रहते हैं। और अपने को मिल चुका है एलाइट्रा, तो मैं सबसे पहले यहाँ छुपता है जहाँ इनका निशाना बिल्कुल मेरे पास नहीं आने वाला। अपनी अंडर चेस्ट यहाँ लगाएगा, और सबसे पहले गाइस मैं ये तीन चीज़ें उठाने वाला है। और सबसे पहले हम गाइस इन तीन चीज़ों को एलाइट्रा पे अप्लाई करने वाले। ये हमारा एलाइट्रा, इस पर सबसे पहले लगाएंगे अनब्रेकिंग 3, और उसके बाद लगाएंगे मैंडिंग। और अब हमारा एलाइट्रा हो चुका है परमानेंट, जो कभी नहीं टूटे वाला। तो गाइस फिलहाल अपने पास काफ़ी सारा पोशन और नाइट विजन आ चुका है। स्काफोल्डिंग से गाइस अब हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं स्काफोल्डिंग से, मैं काफ़ी सारे एप्पल्स ले लेता हूँ, एंड एप्पल्स ले लेता हूँ, अपनी चेस्ट को अच्छे से सेट कर लेता हूँ, और इनकी जरूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। और अब हम गाइस यूज़ करने वाले हैं बहुत सारे रॉकेट्स। स्टोन्स को हटाऊँ, यहाँ रॉकेट्स रखो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पोशन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली। तो गाइस मैं अपनी चेस्ट एक बार सेट कर लेता हूँ। गाइस मेरी चेस्ट अच्छे से सेट हो चुकी है, तो यहाँ लूटा जाए। गाइस यहाँ पे हैं काफ़ी सारे गोल्ड इंकर्ट्स, पंपकिन सीड्स, आयरन और आयरन शूज, स्टार्डल मिल चुका है, एक डायमंड चेस्ट। गाइस डायमंड चेस्ट का एक बेनिफिट ये है कि हम इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। और वैसे भी आप देख सकते हो मेरी ये जो चेस्ट है काफ़ी ज़्यादा ही इंचेंटेड है। इस चीज़ को गाइस इंचेंटेड करने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लगा था। और अभी हमें जो चाहिए था वो तो मिल चुका है, बट ये भी है काम की। और यहाँ भी गाइस काफ़ी सारा सामान होता है जो काम का होता है। और यहाँ से हम काफ़ी कुछ आज लूटने वाले हैं, इनको खाली करके जाने वाले हैं। ओहो कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, कहीं ना कहीं से तो ये हमला करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाके इनको पीटने वाले हैं। ओहो निकल निकल। और गाइस हमें एक शल्कर बॉक्स मिल चुका है, हमें एक और एक और कहाँ पे गाइस ये शल्कर कहीं ना कहीं से हम पे, ओहो आ रहा है। तो ये शल्कर गाइस अपने शिप में बैठा हुआ है, चलो इससे हम बाद में लड़ते हैं, पहले हम यहाँ लूट करते हैं। हम यहाँ पे आए हैं लूट करने के लिए, हम यहाँ पे अच्छी खासी लूट करके जाएंगे। और गाइस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे ज़्यादा सही चीज़, ओ माय गॉड हिट कर गया। अपने को डर नहीं है, अपने के अपने पास लाइटर है, पर हम ये तो देख सकते हैं कि कहाँ पे है। और ए लाइटर का बेनिफिट ये है, नाउ आई कैन जस्ट फ्लाई। ओ माय गॉड कहाँ पे है, और मैं एकदम सही जगह लैंड होना चाहता हूँ। लग गए। ये है कहाँ पे, ये रहा शल्कर वाला। ओ माय गॉड बहुत सही जगह लैंडिंग हुई है। अब सबसे पहले शल्कर को पीटते हैं, इसने दिमाग खराब किया हुआ है। ओ एक और शल्कर बॉक्स कहाँ गया इसका, आई थिंक नीचे गया। गाइस ये एक और शल्कर हमारे हाथ से गया, और इसका शल्कर कहाँ है, अरे यार इसका शल्कर नीचे भी नहीं गिरा। मेरे को गाइस इलाइटा यूज करने की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इलाइटा यूज कैसे करते हैं भाई, इलाइटा यूज कैसे करते हैं गाइस, मेरे को ना इलाइटा यूज करने की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे को फिलहाल इतना पता है कि इलाइटा ऐसे काम करता है। और मैं फिलहाल यहाँ काफ़ी कुछ लूटने वाला है, और मैं एक शल्कर चेस्ट तो बना के जाएगा। आउच बहुत गंदा वाला हिट पड़ा है। ओ माय गॉड ऊपर गाइस काफ़ी सारे शल्कर पड़े हैं, इनको हम आज लूटने वाले हैं। ओ कहाँ पे ऊपर, ये गाइस एक शल्कर है जो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा ही मतलब बवाल मचा रहा है। आपको आवाज़ तो आ रही होगी,
अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को ये चाहिए। अच्छा बेटा जी, वहां से बार बार हमला करी जाओ। ओए 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 ओए, क्या ही गंदा गिरा यार। अरे अरे यार, उल्टी बंद करो, उल्टी बंद करो। हम इसको एरो मारने वाले। ओ व्हाट द फक मैन, अब पता चला मेरा एरो कैसा लगता है। क्या ही गंदा इसने हिट किया है, पर एक चीज ने गलती कर दी, तूने अपने अपनी मौत बुलाई है। एक और शल्कर गाइस, हम फिलहाल एक शल्कर चेस्ट क्राफ्ट कर सकते हैं। शल्कर चेस्ट क्राफ्ट करने के लिए गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं तो लाया ही नहीं, वो है एक क्राफ्टिंग टेबल। और मैं गाइस सबसे पहले भी क्राफ्टिंग टेबल कैसे बनाऊँ ये मेरे समझ नहीं आ रहा, और क्राफ्टिंग टेबल के बिना हम एक शल्कर चेस्ट नहीं बना सकते। तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ जितने भी शल्कर बॉक्स मिलते हैं हम उन्हें कलेक्ट करने वाले हैं, और होपफुली काफ़ी कम टाइम हुआ हुआ। ओहो, सीधा मौत के मुंह पे, मौत के मुंह में। गाही गंदा वाला, क्या ही गंदा वाला मार रहे हैं यहाँ पे। पर यहाँ पे इन्होंने एक गलती कर दी है, मेरे को अच्छा खासा लैबिटेट करा दिया तुम लोगों ने। अरे खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ, खाओ ना खाओ भाई, ये डैमेज काफ़ी ज़्यादा देते हैं। मेरे को लगता है ना मेरे को गोले ना पल्स खाने पड़ेंगे। अब हीलिंग सही है, अब मारो जहां मारना है। एक लगा, दूसरा लगा। अब कहां पे हो, कहां पे हो? ओहो, एक लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा। तो ओ भाई, क्या ही गंदे डैमेज ने बंद किया है। और बस 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 बस, मैं पास आ गया। ओ गाइस, मेरे को मिल चुके हैं फिलहाल काफ़ी सारे शल्के चेस्ट, और यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे सल्कर्स हैं जो मेरी बैंड बजाने में तोले। आई थिंक वो बाहर है। और यहाँ पे गाइस एक एंडर चेस्ट है, साथ ही साथ एक चेस्ट है। एंडर चेस्ट के अंदर सामान डालो यार। चलो गाइस, मेरे को दो सैडल मिल चुके हैं। ये मार कहाँ से रहे? कोई ना कहीं, कहीं ना कहीं तो है जो पागलों की तरह हमला करी जा रहे हैं। अब तो बैंड बज गई, बैंड बज गई पक्का। गाइस मेरी अच्छी खासी बैंड बज चुकी है। और मैं यहां से इसको कलेक्ट करने वाला सबसे पहले। तो तू निकल, निकल यहाँ से। गाइस मेरे को मेरी साइज की साइज स्कैफोल्डिंग्स यहाँ से मिल चुकी है, और मैं यहाँ से जाने को तैयार। तुम लोगों को चैन नाम की चीज नहीं है? और देख सकते हो गाइस, मेरे पास अच्छा खासा कचरा इकट्ठा हो चुका है। तो मैं यहाँ से उठते हुए सीधा चलता हूँ अगले लाइट रॉ की तरफ। गाइस आपने भी वही देखा जो मैंने देखा, दो मिनट रुकिए, अब जरा आपको दोबारा दिखाया जाए। और उससे पहले मैं कहीं अच्छी सी सेफ लैंडिंग करता हूँ, और आप देख सकते हो मेरे सामने है एक और एंड सिटी, तो यानी एक और इलाइट्रा। और एक और इलाइट्रा में मिलने वाला फाइनली। गाइस मेरे को एक चीज अब याद आई, पिछले एंड सिटी में हम एक चीज लेना भूल गए थे, और वो था एंड्रो ड्रैगन का सर। और यहाँ इसकी माँ का सकीना का। ओए आते हमला करोगे? वेरी बैड। तो गाइस हमें फिलहाल मिल चुके हैं 11 शल्कर बॉक्सेस, 2 इलाइट्रास। इलाइट्रा से याद आया, एंडर चेस्ट को यहीं पर लगाओ और इलाइट्रा को यहीं पर उतारते हैं। तो फिलहाल गाइस अपने पास 2 इलाइटर्स हो चुके हैं, मैं और इलाइटर्स की खोज में जाने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा ही आगे। तो फिलहाल हम यहाँ से, ओहो इनसे हम बाद में लड़ेंगे, सबसे पहले हम अपनी चीज़ लेंगे जो हमें चाहिए थी। जो मेरे को चाहिए थी वो थी एंड्रो ड्रैगन का सर, और जो मेरे को मिल चुका फाइनली एंड्रो ड्रैगन का सर। और गाइस इसके पास एक और एनसीडी है,
वाओ गाइस, हमें लगातार दो एनसीडी अब एक दूसरे के पास ही मिल चुके हैं। यार मेरा मिनिमम गोल 3 इलाइटर्स का लगभग आधे घंटे के अंदर ही पूरा हो चुका है, और काफ़ी सारे एंड्रो ड्रैगन के सर भी मिलने वाले। इसकी माँ का अच्छी खासी जगह पे लैंड किया रे, मार दिया, मार डाला, टाइको मार डाला, निकल यहाँ से। अरे यार ये चेस्ट दे दो। चलो गाइस, हमें शल कर शल मिल चुका है और हम फिलहाल अंदर जाने को चल चुका है। हम इसका यूज़ करेंगे और मस्त सीधा अंदर जाएंगे। ओहो हमारा इंतज़ार कर रहा है, आ जा रहा है। गाइस एक और शल कर गया, एक और इलाइट्रा आया, तो अपने पास फिलहाल हो चुके हैं काफ़ी सारे इलाइट्रास। और इसको पहले शिफ्ट किया जाए, तो फिलहाल गाइस अपने पास है 3 इलाइट्रास और अभी भी हमारी खोज जारी है, क्योंकि अभी भी गाइस हमारा 1 घंटा पूरा नहीं हुआ है और हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है और काफ़ी सारा कचरा है। चलो कचरा काफ़ी है, और यहाँ से गाइस हमें मिल सकता है एक और एंड्रो ड्रैगन का सर। हम ये देखने वाले कि आज हम कितने एंड्रो ड्रैगन के सर अपने साथ लेके जा सकते हैं, और हमें गाइस 2 एंड्रो ड्रैगन के सर मिल चुके हैं। और मैं उस डायरेक्शन से आया था, यानी मैं इस डायरेक्शन में ही जाऊँगा। काफ़ी अच्छी खासी फ्लाइट चल रही है अपनी, एन सिटी मिलती है, और जहाँ तक मेरे को लगता है मेरे को एक एन सिटी की शिप मिल चुकी है और इस पे एंड्रो ड्रैगन का सिर है। गाइस हम काफ़ी ज़्यादा लकी हैं, और हमें ऊपर है तो ऊपर है, मैं नीचे जाएगा और नीचे एक तो है। हम मुँह खोलो और यहाँ से निकल लो, एक और इलाइट्रा दो और हम भी यहाँ से निकल लो। चलो ये भी मिल गया गाइस, हमारे पास लगभग ऐसे ही काफ़ी सारे शल्कर चेस्ट इकट्ठे होने वाले हैं। गाइस मेरे पास लगभग 13 शल्कर चेस्ट अभी इकट्ठे हो चुके हैं। ये पोशन ऑफ स्ट्रेंथ ठीक है, हाँ ये अच्छा खासा पोशन तो पड़ा हुआ है अपने पास, इसको साइड करो। किस चीज़ का ये, फेंको इसको, किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ से लूटने वाले हैं एक और एंड्रो ड्रैगन का सर, एंड्रो ड्रैगन का सिर हमें मिल चुका है और हम यहाँ से फिर से थोड़ा आगे जाने वाला है इसके। ओ माय गॉड क्या ही गंदा वाला भिड़ा मैं। और यहाँ गाइस मेरे को पास में मिल चुका है एक और एनसीडी, और मेरे को लगता है इनके पास कोई शिप नहीं है क्या। गाइस एक एनसीडी विदाउट शिप की, चलो कोई बात नहीं। हम किस डायरेक्शन से आए थे, उस डायरेक्शन से आए थे, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम काफ़ी आगे जाने वाले हैं गाइस। हमारे पास लगभग 4 इलाइटर्स इकट्ठे हो चुके हैं, वही अभी से ही, यानी गाइस हम अपने गोल से तो आगे चल रहे हैं। वो शिप उधर थी, गाइस अपने सामने एक और एन सिटी है और अपने पास पता नहीं कितनी लाइटर्स इकट्ठे हो चुके हैं। एक लाइटर मैंने पहना हुआ है, मेरे सामने 3 लाइटर्स और हैं, और मैं फिलहाल एक और लाइटर लूटने को जा रहा है। इसकी माँ का ये कैसे किलर गया यार, निकल यहाँ से तू, निकल यहाँ से। गाइस आपको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, ये क्या ही आवाज़ थी। हमें एक और इलाइट्रा और प्लस एंड्रो ड्रैगन का सिर मिलने वाला है, और इसके बाद गाइस मैं रिटर्न टिकट देखने वाला हूँ कि मेरा रिटर्न टिकट का रास्ता कहाँ है। यहाँ अंदर एक और शल्कर बैठा हुआ है, मुंह खोलिए और यहाँ से निकलिए। हमें गाइस एक और इलाइट्रा मिल चुका है। गाइस मेरे को मतलब आज लग रहा है इलाइट्रा की बारिश हो रही है। फिलहाल अपने पास 4 इलाइट्रास हो चुके हैं, आई थिंक 5 हो चुके हैं क्योंकि एक मैंने पहना हुआ है, और अपने को काफ़ी सारा शल्कर बॉक्स मिल चुका है, और अपने को काफ़ी सारे एंड्रो ड्रैगन के सिर मिल चुके हैं। अपने पास फिलहाल 3 सिर हैं क्योंकि मैंने अब तक 4 शिप लूटे हैं। और मैं यहाँ से भी चला, अपने को एक और एंड्रो ड्रैगन का सिर मिल चुका है, और मैं यहाँ से अपने रिटर्न टिकट का रास्ता ढूंढता है। भाई कहीं तो दिख जाओ,
और मैं यहाँ से सीधा रिटर्न आ चुका हूँ इस एरिया पे। और मेरे पास जी गाइस आखिरी नाइट विजन और पोर्शन ऑफ नाइट विजन था, क्योंकि गाइस अब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। अपने को मिल चुका है एलाइट्रा, डायमंड चेस्ट, काफ़ी सारे शल्कर बॉक्सेस, चेस्ट तो अपने पास है ही, अपना शवल है। मैं बार गाइस अपनी चेस्ट को अच्छे से सेट कर लेता हूँ, गाइस मेरे को काफ़ी सारा सामान मिल चुका है जो मेरे को नहीं भी चाहिए, और काफ़ी सारा सामान मिल चुका है जो मेरे को चाहिए। इलाइट्रा तो मैं फिलहाल इलाइट्रा से काफ़ी ज़्यादा मज़े करने वाला हूँ। अपना फूड इधर करो, मैं अपनी चेस्ट एक बार अच्छे से सेट करता हूँ और यहाँ से निकलते, ये कचरा ही है यार। तो अभी तक गाइस हमें मिल चुके हैं लगभग कितने इलाइट्रस, तो गाइस हमें मिल चुके हैं एक इलाइट्रा मैंने पहना हुआ है, और यहाँ चेस्ट के अंदर चार चार इलाइट्रस, तो यानी गाइस अपने को मिल चुके हैं पांच इलाइट्रस, वो भी सिर्फ एक ही पोर्टल से। हम एक पोर्टल के अंदर गए थे, हम दूसरे के तो अंदर गए भी नहीं, क्यों ना गाइस दूसरे पोर्टल के अंदर भी एक नज़र मार लेते हैं, बट हम उससे पहले एक बार जाते हैं और पोर्शन ऑफ नाइट विजन बहुत सारी उठा के लाते हैं। जब ये काम करते गाइस हम यहीं पर बना लेते हैं एक अपना ब्रूइंग स्टेशन, पर ब्रूइंग स्टेशन बनाने के लिए यहाँ पे भी बहुत सारा सामान चाहिए। मैं सबसे पहले वापिस जाता है, इलाइटर का इस्तेमाल करता है और लेके आता है बहुत सारे पोर्शन ऑफ नाइट विजन, फिर से हम लूट करने वाले हैं, वो भी अच्छी खासी। चलो मैंने टेक ऑफ करना सीख लिया है, अब लैंडिंग भी सीखी जाए। अपने पास गाइस कोई ना कोई पोर्शन ऑफ नाइट विजन यहाँ पड़ा होना चाहिए, पोर्शन ऑफ नाइट विजन है क्या? पोशन ऑफ नाइट विजन गाइस अपने को तीन तीन पोशन ऑफ नाइट विजन मिल चुके हैं, और यहाँ पोशन किसी चीज़ का ऑर्डर नहीं दिएगा, तो हम नाइट विजन का ऑर्डर देंगे, बोन मील डालेंगे, गन पाउडर डालेंगे, नहीं लेवल बढ़ाने का मतलब नहीं है, सीधा उसका टाइम बढ़ाते हैं, गन पाउडर डालते हैं और इसको स्प्लैश पोशन बनाते हैं। चलो ठीक है, ऑर्डर प्लेस हो गया, सारा सामान वापिस किया जाए। चलो गाइस ये बन रहा है, तब तक मैं जाके अपनी एक बार चेस्ट सेट कर लूँ, क्योंकि गाइस चेस्ट में बहुत सारा सामान है, और मेरे को फिलहाल इलाइटर से काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उत्तरी टकराते टकराते बचा, फिलहाल गाइस मेरी चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है, देख सकते हो। एंडरपल का गाइस फिलहाल हमें इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो मैं फिलहाल एक स्टैक एंडरपल ही रखता हूँ, अपनी चेस्ट अपने पास रखते हैं। और हाँ गाइस हम फिलहाल क्राफ्ट करने वाले हैं साथ साथ शेल का चेस्ट, जिसके लिए गाइस हमें चाहिए एक क्राफ्टिंग टेबल, एक चेस्ट, एक शल्कर बॉक्स ऊपर, एक शल्कर बॉक्स नीचे, और हमें मिल जाते हैं शल्कर बॉक्सेस। तो हमें मिल चुके हैं फिलहाल कितने सात शल्कर बॉक्सेस, जिस जो हमारे गाइस पोर्टेबल चेस्ट का काम करते हैं, और इनके अंदर हम गाइस काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। चार आइटम फ्रेम्स और चार चार इलाइट्रस, ये इकट्ठे कभी नहीं हो सकते, चार वेराइटर्स को यहाँ प्लेस करने वाला हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में हमें मिल चुके हैं टोटल पांच इलाइट्रस, जिसमें से एक मैंने पहना हुआ है और चार को मैं स्टोर कर रहा हूँ हमारे गोल्डन आर्मरी में। गोल्डन आर्मरी नहीं, एक तरह से बोल रहा हूँ हमारी ये गोल्डन चेस्ट रूम है, जहाँ पे हम गाइस मैं काफ़ी सारा गोल्ड और काफ़ी सारा हिडन सामान है जिसे मैं यहाँ स्टोर करता हूँ, और ये सबसे सेफेस्ट एरिया है क्योंकि यहाँ कोई आता नहीं है और ये बहुत ज़्यादा लाउड है, जिसे यहाँ जो भी आता है उसके कान में स्पेशली दर्द तो हो ही जाता है, जैसे फिलहाल मेरे कान में हो रहा है। तो मैं यहाँ से जल्द निकलता हूँ, और हाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें गेट बंद करने के लिए। चलो हम वहाँ से बाहर आ चुके हैं, फिलहाल रात्रि है, और क्यों ना लाइट मतलब से एक चक्कर लगा लिया जाए अपने कासल का। पर उससे पहले गाइस आपको दिखाया जाए कुछ और, हमारा 1000 थोड़ा दूर जाते हैं गाइस, हमारा 1000 यानी गाइस चैनल पे हो चुके हैं 1000 सब्सक्राइबर प्लस, और मैं बहुत गंदा वाला फिलहाल भेड़ा हूँ इसके ऊपर, तो मैं यहाँ से कहीं दूर उड़ता हुआ जाता हूँ। गाइस हमारा जू अंदर चले क्या?
मैं सोचो गाइस ऊपर वाले एरिया को खाली करते हैं, जिससे हम गाइस जू के अंदर भी जा सकते हैं सीधा इलाइट ड्रैगन मदद से। पर आज हम कहीं और ही लैंड होने वाले हैं, क्यों ना गाइस उसके ऊपर लैंड किया जाए और खुद को जला लिया जाए। ये गाइस सबसे बुरा आइडिया होने वाला है, मैं उसके ऊपर गलती से भी लैंड नहीं होने वाला। अगर मैं उसके ऊपर लैंड हो गया ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। तो मैं यहाँ से कहीं अच्छी सी जगह जाता हूँ जहाँ पे हाइट भी मिले और अच्छा खासा एंगल भी, और इससे बढ़िया रनवे कहाँ मिलेगा? उत्तरी उत्तरी गाइस अपने पास अच्छा खासा रनवे है। ओ अब हुई है हमारी परफेक्ट लैंडिंग। तो फाइनली गाइस हम एंडर ड्रैगन को मार चुके हैं, हमें मिल चुके हैं 5 इलाइटर्स। हम गए थे 3 के लिए पर मिले हैं सिर्फ 5, वो भी सिर्फ एक पोर्टल की मदद से। हम एक ही पोर्टल पे गए थे, अभी भी गाइस दूसरा पोर्टल बाकी है और मैं बहुत जल्दी दूसरे पोर्टल में भी जाने वाला हूँ, बहुत सारे इलाइटर्स और लूट के लाने वाला हूँ। पर आज के लिए गाइस हमें तो ये मिल चुका है हमारा पहला इलाइट्रा, जिसमें गाइस मैं पहले से ही मैंडिंग और अनब्रेकिंग लगा चुका हूँ, जिससे गाइस ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल है। और 4 इलाइट्रास को मैं छुपा के रख चुका हूँ हमारे गोल्डन सॉरी हमारे मैग्मा स्वॉर्ड के अंदर। और अभी गाइस हमको बहुत कुछ मज़ा आने वाला है, क्योंकि गाइस आने वाली वीडियो में हम बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। अब फिलहाल तो इलाइट्रा मिल चुका है, तो मैं फिलहाल उड़ के मज़े करने वाला हूँ। देख सकते हो मैं काफ़ी ज़्यादा ही मज़े कर रहा हूँ। तो ठीक है आज की वीडियो यही तक। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा ही पसंद आ गई अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और मैं फिलहाल कहीं गिर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, और यहाँ पे गाइस लावा है जिसके अंदर मैं जाना नहीं चाहता। और मेरे को अच्छी खासी लैंडिंग थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी। चलो यहाँ थोड़े बहुत TNT फोड़ते हैं और इसको बंद करते हैं, एक TNT और जाएगा। और मैं इधर से सीधा उड़ते हुए जाएगा अपने कासल की तरफ जो ठीक सामने है। और मैं कोशिश करने वाला कि मैं सीधा यहाँ पे लैंड करूँ और मैं सीधा रनवे पे जाने वाला। तो ठीक है गाइस आज की वीडियो यहीं तक। सी यू देन इन अनदर वीडियो विद न्यू आइडियाज। तो सब तक के लिए सी यू देन, टेक केयर।